जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल बाबू सिंह आरपीएम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने का मकसद है आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में जानकारी देना। हमने और वीडियो जो बनाए थे दोस्तों, वो आरपीएफ वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी, उसमें फ्यूचर के बारे में कब तक वैकेंसी आएंगी। आरपीएफ वैकेंसी अभी तक आई नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमको मिली नहीं जो आपको हम वीडियो बना के उसमें जानकारी दें दोस्तों। इसीलिए जब हमको कुछ जानकारी मिला है, इसके लिए हमने ये वीडियो बना के आपको जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों आरपीएफ की वैकेंसी है, अभी कंफर्म नहीं है कि वैकेंसी कौन से महीने में आएगी और कितनी आएगी। न्यूज़पेपर में भी निकला था और सोशल मीडिया में भी आया था कि इतना वैकेंसी आ रहा है, इस डेट से एप्लीकेशन अप्लाई करना है, लेकिन ये सारा झूठ है, अफवाह है। और ट्विटर के माध्यम से, रेलवे बोर्ड से भी आ गया कि जो ये आ रहे हैं विज्ञापन सोशल मीडिया में झूठे हैं, अभी आरपीएफ की वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो रेलवे की जो रेलवे बोर्ड की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, उसके माध्यम से नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। वैकेंसी जो आने का चांस है दोस्तों, वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि डिपार्टमेंट में आरपीएफ में आरपीएसएफ में लेके जो ट्रांसफ़र का सिस्टम चल रहा है, उसी में थोड़ा सा हमारे ऑफिसर बिजी हैं। जब तक ये पूरा कार्य पूरा नहीं हो जाता ट्रांसफ़र का, जब तक आप ये मानो कि वैकेंसी रुका हुआ है। किस मंथ तक रुका हुआ है, किस मंथ तक वैकेंसी ये ट्रांसफ़र का क्लियर होगा, इसके बाद ही आप मान लो वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लीकेशन अप्लाई हो सकते हैं। वो कौन सा महीना होगा ये अभी कंफर्म जानकारी नहीं है। जानकारी जब क्लियर होगा, जब ट्रांसफ़र का जो चल रहा है आरपीएफ आरपीएसएफ का, ये पूरा क्लियर होने के बाद ही वैकेंसी के बारे में कोई कंफर्म जानकारी मिल सकती है। क्योंकि जो कुछ जवान आरपीएसएफ टू आरपीएफ आना है और आरपीएफ क्विंटल जो ना ट्रांसफ़र होना है, उसी के माध्यम से जो रुकावटें हैं भर्ती में, वही रुकावटें हो रही हैं। इसलिए आप लोग जो दोस्तों तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहना, फिजिकल रिटर्न की, मेडिकल की, अपना जो है ना रेडी रहना पक्का। क्योंकि वैकेंसी किस महीने आ जाए, ये बात हम बोल रहे हैं, फिर किस महीने आ जाए ये पिछली बार भी हमने बोला था। इसलिए क्योंकि इस बार है ना जो ट्रांसफ़र का चल रहा है ना, उसके माध्यम से वैकेंसी रुकी पड़ी है। अगर ट्रांसफ़र का पूरा क्लियर इसी महीने हो जाएगा जून में, तो अगले महीने पक्का हम बता रहे हैं चांस हो जाएंगे कि फॉर्म आ जाए, एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट नोटिफिकेशन आ जाए। अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इतना जानकारी जरूर मिल रहा है कि अगर जब तक ट्रांसफ़र क्लियर नहीं होगा, जब तक वैकेंसी नहीं आएगा। जिस दिन ट्रांसफ़र क्लियर हो जाएंगे कि इस डेट को ट्रांसफ़र लिस्ट आ जाएंगे जून में या जुलाई में, उसके बाद ही मान लो कंफर्म होगा वैकेंसी को लेके। और दोस्तों कुछ जानकारी है, जो अग्निवीरपुर रेलवे में आरपीएम रिजर्वेशन मिला है, वो इस वैकेंसी से जोड़ा जाएगा। उनका अलग से रिजर्व कोटा रखा जाएगा, जो इस बार वैकेंसी आएगा उस वैकेंसी में भी उनका कोटा उतना छोड़ के वैकेंसी आएगा। उनका वैकेंसी अभी से क्लियर कर दिया जा रहा है कि इतनी वैकेंसी में इतने अग्निवीर रहेंगे, इतने जनरल, मतलब जो ऑल इंडिया अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी करते हैं हमारे भाई, उनके लिए रहेगा। अग्निवीर वालों के लिए अलग से रिजर्व कोटा कर दिया गया है। और कोई जानकारी अगर हमारे पास दोस्तों आती है, तो आपको हम इमीजिएटली जानकारी वीडियो के माध्यम से देंगे। क्योंकि ऐसी भी कोई जानकारी हमारे पास आई थी, वो आपको हमने दिया, और नेक्स्ट कोई जानकारी आती है तो आपको हम जरूर देंगे, अवश्य देंगे। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।